कि यूपीएससी क्रैक करने वालों को बधाई देने वाला प्रधानमंत्री लेटरल एंट्री ला करके बिना परीक्षा दिए कुछ लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है, ऐसे विरोधाभास के दौर में हम खड़े हैं। जब हम बात करेंगे भगत सिंह और अंबेडकर की, जब हम बात करेंगे शिक्षा की, जब हम बात करेंगे संविधान की, तो मुझे लगता है इन सब का तकाजा यह है कि बिना डरे इस बात के लिए सच बोला जाए कि आपकी नौकरी रहेगी या जाएगी, आप कल को प्रोफेसर बचेंगे या नहीं बचेंगे, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कल को भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। वहां उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत खुदाई हो रही है, उसी खुदाई से निकली गई चीज को पढ़ने के लिए प्रोफेसर रतनलाल जेल में गए और कोर्ट ने यह कहा कि अरे भाई तय ही नहीं है कि वो है क्या और तुम उसके नाम पर जेल में भेज रहे हो। नई शिक्षा नीति में शिक्षक संगठन और तमाम छात्रों को कमजोर कर दिया गया, इसलिए लड़ाई भी कमजोर है। लेकिन किसान समझ गए कि वो तीनों कानून उनके सुधार के नहीं है, वो उनके फसलों और नस्लों को बेचने वाले कानून है, इसलिए उन्होंने सड़क पर हंगामा किया और तीनों कानून वापस हुए। मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति इसलिए वापस हो जानी चाहिए क्योंकि वो आपके फसलों नस्लों के साथ आपके बच्चों के भविष्य को खत्म करने वाली। लगभग 17,000 टेक्निकल कोर्सेज के इंस्टीट्यूशन बंद किए जा चुके हैं और हर राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। कुम्हार का बच्चा कुम्हार बने, लोहार का बच्चा लोहार बने, यही बात तो पूरा इस हजारों साल से सिस्टम में बनी आ रही थी कि स्किल हुनरमंद जो लोग हैं उनके बच्चे वही करें। तो ये बताइए तिहाड़ जेल और तड़ी पार रहने वाले का बच्चा बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया भाई? हर काम संवैधानिक तरीके से करने का दावा किया जा रहा हो, झूठ को इतनी बार बोला जा रहा हो कि सच लगने लगे, उस दौर में जरूरत इस बात की है कि वक्त के सच को इतनी बुलंदी से बोला जाए कि या तो वो सच इस देश के आम आवाम को समझ में आ जाए या हुक्मरानों को समझ में आए कि वो जेल भेजना शुरू करें। इसलिए जेल भेजना हमारे लिए तमगा है। प्रोफेसर रतनलाल बैठे हुए हैं, जेल से लौट कर आए हैं, और जो यहां नहीं लौट के आ पाए, मैं वैसे प्रोफेसर हैनी बाबू और प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को याद करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूं। उमर खालिद, और कोर्ट ये कहता है आज भी कि उमर के भाषण में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे आतंकवादी बात कही जा सके, फिर भी वो जेल में होंगे। प्रोफेसर हैनी बाबू ने तो कोई पोस्ट भी नहीं लिखे थे, प्रोफेसर रतनलाल ने कोट किया अपनी बात, लेकिन प्रोफेसर रविकांत ने लखनऊ विश्वविद्यालय में तो किताब को कोट किया था, उनके ऊपर कैंपस में घुस करके गोली मारो जूता मारो का नारा लगाया गया। जिन लोगों ने प्रोफेसर पर हमला किया वो बाइज्जत बरी है और प्रोफेसर सच बोलने के जुर्म में FIR झेल रहे हैं। हम उस दौर में खड़े, कैंपसों पर हमला हो रहा है, JNU को इतना बदनाम किया गया और प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जो फेल हो गए यूपीएससी में उनके साथ हमारी सिंपथी है, जो पास हो गए उनको बधाई दे रहा हूं। और उसी JNU से पड़ी हुई गीतांजलि श्री जब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाती है तो कोई भी ट्वीट उनका नहीं आता है। और उससे भी ज्यादा विरोधाभास इस बात का कि यूपीएससी क्रैक करने वालों को बधाई देने वाला प्रधानमंत्री लेटरल एंट्री ला करके बिना परीक्षा दिए कुछ लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है, ऐसे विरोधाभास के दौर में हम खड़े हैं। इसलिए सबसे पहले मैं NEP पर बहुत सारी बातें हुई, आंकड़ों के साथ बोलने पर भी अगर जेल हो रही है तो फिर बचेगा क्या, किस तर्क से बोला जाएगा। फिर भी मैं आंकड़ों की बात करूंगा। मैंने अपने नाम से LTI लगाई
1 जनवरी 2020 तक के आंकड़े निकाले, देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर की रैंक पर कितने सैंक्शन पोस्ट है, कितनी वैकेंट है, तो मेरे सामने जो आंकड़े आए मैंने उसका कंक्लूजन निकाला। तो इस देश में 1 जनवरी 2020 तक लगभग 83% प्रोफेसर, 82.82 शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट है, यानी खाली है। 93.98% शेड्यूल ट्राइब की पोस्ट प्रोफेसर की खाली है। 96.65% प्रोफेसर की पोस्ट ओबीसी की खाली है। 85.71% पोस्ट पीडब्ल्यूडी यानी विशेष रूप से सक्षम लोगों की पोस्ट खाली है। एसोसिएट प्रोफेसर में जाएंगे तो लगभग 90-95% के रिजर्व कैटेगरी की सीटें खाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ी बहुत भर्तियां हो पाई, ये आईटीआई हमने लगाई। और हम कहां ये मांग करने वाले थे कि जितने खाली पद हैं कम से कम उनको तो भरो जो सैंक्शन पोस्ट होती है, और हर बार के बजट में उनका बजट एलोकेशन होता है। वो लोग भले उनकी डिग्रियां फेक हो लेकिन वो साजिश करने में माहिर हैं, इसलिए जितने खाली पद थे उन्हें खत्म करने की पॉलिसी बना दी और उसका नाम दिया नई शिक्षा नीति 2020। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न बचेंगे ये खाली पद और न आप इन पर नियुक्ति की बात करेंगे। और ये बात मैं बोल रहा हूं, मतलब जो आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ठेके पर प्रोफेसर हूं, एडहॉक टीचर। देश भर के लोग समझते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, और मुझे पता है कि जितना बोल रहे हैं उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। जब प्रोफेसर छोड़िए वाइस चांसलर और प्रिंसिपल झंडे वालान से तय हो रहे हो, वो हमारे आपको देख करके, जब कुलपति ही विचारधारा देखकर बनाए जा रहे हैं, तो नियुक्तियां किस आधार पर होंगी, इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे भगत सिंह और अंबेडकर की, जब हम बात करेंगे शिक्षा की, जब हम बात करेंगे संविधान की, तो मुझे लगता है इन सब का तकाजा यह है कि बिना डरे इस बात के लिए सच बोला जाए कि आपकी नौकरी रहेगी या जाएगी, आप कल को प्रोफेसर बचेंगे या नहीं बचेंगे, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कल को भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। हम तो पढ़ लिख करके यहां तक आ गए, 300 रुपया फीस थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, 5000 रुपए में पूरी पीएचडी कर डाले दिल्ली विश्वविद्यालय से, तब जाकर के हम यहां खड़े हो गए और 12 साल से एडहॉक प्रोफेसर, ठेके पर प्रोफेसर बने। मैं जानता हूं कि अगर हम आज ये नहीं बोले तो कल को न तो ये 300 रुपए फीस किसी विश्वविद्यालय की होगी, और न हमारे जैसा कोई व्यक्ति गांव के खेत खलिहान से निकलकर मजदूरी और किसानी करने के बाद आकर के किसी विश्वविद्यालय में न तो रिसर्च कर सकता है न प्रोफेसर बन सकता है। इसका दस्तावेज का नाम है नई शिक्षा नीति, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। इस शिक्षा नीति ने क्या तय किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है ये, नो एजुकेशन फॉर पीपल, नो एजुकेशन फॉर पुअर, ये इसका नाम है। इसलिए मैं इसको नई शिक्षा नीति नहीं कह रहा हूं। किस बात की शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या, ढेर सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी कही है। इन्होंने कहा कि हम बोर्ड एग्जाम के दबाव को कम करेंगे, हम ग्रेडेड सिस्टम लाएंगे, और स्कूल का जो पूरा पैटर्न था सेकेंडरी मिडिल प्रिपरेटरी और फाउंडेशन के नाम पर बदलेंगे, आंगनबाड़ी के लोगों और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के दबाव को कम करेंगे। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत खुदाई हो रही है, उसी खुदाई से निकली गई चीज को पढ़ने के लिए प्रोफेसर रतनलाल जेल में गए, और कोर्ट ने यह कहा कि अरे भाई तय ही नहीं है कि वो है क्या और तुम उसके नाम पर जेल में भेज रहे हो। उस प्रदेश में शिक्षा के हाल ये है कि एक नई पॉलिसी बनाई गई है, एक तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर को समय पर सैलरी नहीं दी जाएगी,
और उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल का मास्टर पढ़ाए न, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इतना काम उसके ऊपर दे दिया गया है। कोई गणना करानी है तो कराओ, वैक्सीन लगानी है तो लगाओ, कोई काम सरकारी आदेश आया गांव गांव जाओ, पढ़ाने के इधर सारे काम करेंगे। और उनका एक फरमान बेहद खतरनाक है कि जिस स्कूल में विद्यार्थी कम हो गए वहां से टीचर सरप्लस हो गए, ज्यादा हो गए, तो दूसरे विद्यालय में उसी स्कूल के टीचर को भेज दिया जाएगा, यानी नए शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। फिर भी भर्ती हुई पिछले कार्यकाल में 69,000 शिक्षकों की भर्ती। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि उसमें आरक्षण को खत्म करके भर्ती की गई है, 27% आरक्षण की बजाय 3.81% आरक्षण ओबीसी को मिला। बहुत दिन तक सरकार उसको टालती रही, बाद में जब मान लिया कि हाँ गलती हुई हमसे, फिर भी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ऐसे शिक्षा घोटाले में आज भी जेल में हैं, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज पूरे देश में वहां पर उत्तर प्रदेश में नारा लगा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, तो काशी और मथुरा भी जाग रहे हैं, वो उकसा रहा है कि मंदिर और मस्जिद की सियासत चलती रहे। इसलिए मैं ऐसी शिक्षा नीति की आलोचना कर रहा हूं। त्रिभाषा फार्मूला की बात की गई, अरे त्रिभाषा फार्मूला कहां से लागू होगा जब उनके भाषा सीखने की जो पूरी क्राइटेरिया उसको कम कर दिया, कोडिंग सिस्टम किया, क्रॉस करिकुलर एक्टिविटी मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी, यानी एक स्ट्रीम नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको कई तरह की कलाकारियां सिखाई जाएंगी। मुझे याद आता है जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे देश में 3 कानून लाए गए थे, 3 कृषक सुधार कानून, 3 श्रमिक सुधार कानून और नई शिक्षा नीति। श्रमिकों के ट्रेड यूनियन बर्बाद कर दिए गए, इसलिए वो भी कानून पास हो गया। नई शिक्षा नीति में शिक्षक संगठन और तमाम छात्रों को कमजोर कर दिया गया, इसलिए लड़ाई भी कमजोर है। लेकिन किसान समझ गए कि वो तीनों कानून उनके सुधार के नहीं है, वो उनके फसलों और नस्लों को बेचने वाले कानून है, इसलिए उन्होंने सड़क पर हंगामा किया और तीनों कानून वापस हुए। मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति इसलिए वापस हो जानी चाहिए क्योंकि वो आपके फसलों नस्लों के साथ आपके बच्चों के भविष्य को खत्म करने वाली है। मैं एक आंकड़ा पेश करके, चूंकि वक्त नहीं है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो आंकड़ा ये है कि जिस दौर में नए नए स्कूल कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोले जाने चाहिए थे, उस दौर में मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई हो रही है और देखिए कितने स्कूल और कॉलेज बंद हुए हैं। शिक्षा का बजट कम कर दिया गया, जैसे बच्चा पढ़ने जाए, हम लोग इलाहाबाद दिल्ली पढ़ते थे तो घर वालों से कहते थे इतना खर्चा दे दीजिए, खर्चा बढ़ गया है, तो घर वाले उतना खर्चा थोड़ा कम करके देते थे। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो कह रहा है कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स चलाएंगे, मल्टीपल चॉइस का सिस्टम देंगे, आप विदेश तक पढ़ने जाएंगे, आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, और पैसा तो कह पैसा कुछ नहीं है, जितना पैसा उससे भी कम कर देंगे, इच्छाएं आसमान पर छुएंगी और उन्हें पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं होगा। बजट एलोकेशन नहीं किया गया, बजट कम कर दिया गया है इसीलिए ताकि स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएं। और वो जो पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला है, एजुकेशन के लिए लोन का सिस्टम है कि लोन लीजिए और पढ़ाई करिए, मैं वो उस आंकड़े का निचोड़ बता रहा हूं। 2019 तक टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आंकड़े दिया, लगभग 17,000 टेक्निकल कोर्सेज के इंस्टीट्यूशन बंद किए जा चुके हैं और हर राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। अब ये बंद हो जाएगा, और प्रधानमंत्री ने ये बात भी बोली थी, आखिरी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा, जब इस नई शिक्षा नीति को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड में वो इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हम स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कुम्हार का बच्चा कुम्हार बने, लोहार का बच्चा लोहार बने, यही बात तो पूरा इस हजारों साल से सिस्टम में बनी आ रही थी कि स्किल हुनरमंद जो लोग हैं उनके बच्चे वही करें। तो ये बताइए तिहाड़ जेल और तड़ी पार रहने वाले का बच्चा बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया भाई, ये भी बात तो हमसे पूछनी होगी। आप अपने बच्चे को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाओगे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बच्चे को विदेश की डिग्री दिलवा करके खुलेआम ट्वीट करेगा, पिछला जो शिक्षा मंत्री था
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगा कि आप वेदों में खोजो विज्ञान कहाँ है, आपको नए विज्ञान की जरूरत नहीं है। तो गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान इसीलिए खोजवाया जा रहा है ताकि आपके बच्चे जो पढ़ करके उनसे सवाल कर रहे हैं वो न करें, और पीढ़ी दर पीढ़ी कुमार लोहार बढ़ई नाई मोची मल्ला निषाद इन जातियों के लोग जो पुश्तैनी पेशे में थे वो वापस उसे पुश्तैनी पेशे में चले जाएं, वो डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर जज न बन पाए, इस दस्तावेज का नाम है नई शिक्षा नीति। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं इस शिक्षा नीति का। हम मानते हैं कि त्रिशूल और तलवार बांटा जा रहा है, उन्हें पैसा दिया जा रहा है कि जाओ मस्जिद के नीचे कहो मंदिर है, जाओ कहो कि यह देवालय बनेगा। यानी हम तो कह रहे हैं इस देश में वैसे भी देवालय की कमी नहीं थी, और इस देश में कमी थी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय की। हर विश्वविद्यालय को बंद करके देवालय बनाने वाले लोग इस नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यह बात लोगों को समझाना कठिन है क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका असर 20 साल 30 साल बाद दिखेगा। जब तक आप इसे समझेंगे तब तक आपको बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं इस मंच के आयोजकों को और ऐसे देश भर के तमाम लोगों को सलाम करता हूं जो आज भी 20 साल बाद उनके बच्चों का भविष्य जो लुट रहा है बेचा जा रहा है उसको पहचान करके इस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। हम भारत को संविधान को बचाने वाले लोग, हम इस देश में बाबा साहब और भगत सिंह के सपनों का भारत जो शिक्षा की बात करता था, ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत जिसमें सबको पढ़ने का हक था, उन पढ़ने वाले लोगों के बात को याद करके कह रहे हैं अगर कलम और किताब हार गई तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हमें मौका मिल गया था कलम और किताब पढ़ने का, हम उनके लिए ये मौका नहीं बचा पाए। इसलिए इस नीति का विरोध करना बहुत जरूरी है। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।